हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। इस वक्त बीजेपी बंगाल में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है, सीधे आपको लिए चलते हैं। बहुत बड़ा नाम है आर्थिक जगत में, श्री अशोक लहरी, वेल नोन इकोनॉमिस्ट इन द कंट्री। अशोक लहरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होगी अलीपुर द्वार से। यस, वहां से चुनाव भारतीय जनता पार्टी के अलीपुर द्वार। हाँ, श्री अशोक लहरी इमिनेंट इकोनॉमिस्ट, एवरीवन नोज हिम, वेरी पॉपुलर पर्सन। दूसरा उसी के साथ वेरी सीनियर लीडर, बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं राजनीति में, जो ममता बनर्जी की पार्टी से त्याग पत्र दे के आए थे, ऐसे राजीव बनर्जी। वह जोमजूर से चुनाव लड़ेंगे। डोमजूर, यस, बंगाली में डोमजूर से चुनाव लड़ेंगे, और बहुत ही प्रोमिनेंट वहाँ के मिनिस्टर थे, टीएमसी में छोड़ करके मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे। उसी प्रकार से जो रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, यह चुनाव लड़ेंगे सिंगूर से। यस, अभी सांसद, राज्यसभा के सांसद श्री सपन दास गुप्ता, एमिनेंट एकेडमिशियन जर्नलिस्ट आल्सो, श्री सपन दास गुप्ता विल कंटेस्ट फ्रॉम तारकेश्वर। हिंदी में तारकेश्वर समझिए, बंगाली में तारकेश्वर, ताराकेश्वर, TARAKESWAR, तारकेश्वर। और अनदर फिल्म एक्ट्रेस, बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म एक्ट्रेस है, श्रीमती तनुश्री चक्रवर्ती, वह श्यामपुर से चुनाव लड़ेंगी। हावड़ा श्यामपुर। हाँ, और लॉकेट चटर्जी सांसद हैं भी। लॉकेट चटर्जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वह चुनाव लड़ेंगी चुचुरा से, CHUCHURA। चुचुरा, बंगाल में चुचुरा, CHUNCHURA। अनदर अनदर श्रीमती अंजन बासु, अंजना बासु विल कंटेस्ट फ्रॉम सोनारपुर साउथ से लड़ेंगे चुनाव। अंजना बासु सोनारपुर साउथ। और हावड़ा दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है रंतिदेव सेन गुप्ता, एमिनेंट पत्रकार, ये बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार हैं। रंतिदेव सेन गुप्ता बहुत, हाँ। तो इस प्रकार से मित्रों, हमने आपको आज तमिलनाडु, केरल और असम, पश्चिम बंगाल के नामों की घोषणा की है, जो केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम का अनुमोदन किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान सब लोग खुशहाल हैं, प्रसन्न हैं, और सभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं और देंगे भी। अब हमारे साथ केंद्रीय मंत्री बैठी हैं, जो पश्चिम बंगाल की बहुत बड़ी प्रोमिनेंट लीडर हैं, वह आप सबके बीच में कुछ पश्चिम बंगाल के बारे में बताएंगी। नमस्कार, पहले मैं बांग्ला में बोलना चाहती हूँ, बाद में अगर आपका कोई सवाल है तो मैं हिंदी में बता दूँगी।
हो जाए खूब तारातारी हो जाए तृतीय एवं चतुर्थ पर्यायर आमादेर प्रार्थी तालिका घोषणा हलो बेशिरभाग क्षेत्रेर आपनारा जानेन पश्चिमबंगे निर्वाचन एत गरमागरम परिस्थिति तैरी हुए छे शुधु गोटा देशेर मानुष ताकिये आछे ताई नय विश्वेर जेखाने जेखाने भारतीय तो आपको बता दें कुछ बड़े बड़े नामों की घोषणा की गई है पश्चिमबंगेर परिवर्तनेर जन्य तो इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बाबुल सुप्रियो जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उन्हें टालीगंज से उतारा जा रहा है। टालीगंज बंगाल का यानी कोलकाता का वो जगह है जो फिल्म इंडस्ट्री वहां पर बसती है और वहीं से बाबुल सुप्रियो को उतारा जा रहा है बतौर विधायक के इस चुनाव में। इसके अलावा राजीव बैनर्जी जो कि वन मंत्री थे ममता बैनर्जी के सरकार में युव समाज हताशार परिस्थिति तैरी जी हताशार परिस्थिति मानुष बेरिए आसते चाय भारतवर्ष बता रही हैं कि बंगाल में जो लोग हैं त्रस्त हैं जो हालात हैं उससे लोग बाहर निकलना चाहते हैं इसलिए वो बीजेपी की ओर देख रहे हैं। लक्ष्य सोनार बांग्ला के सामने रेखे जो आह्वान करा हुए थे तो सोनार बांग्ला को लेकर जो बीजेपी ने लोगों से आह्वान किया है उसके साथ लोग जुड़ेंगे जिस परिवर्तन की बात बीजेपी कर रही है जो परिवर्तन बंगाल की जनता चाहती है राजनीति वही एक सबसे बड़ा आकर्षण है बीजेपी को लेकर। विगत 44 बचर धरे माने कम्युनिस्ट दे 34 बचर एवं तृणमूल सरकारे 10 बचर 34 साल सीपीएम के और 10 साल हो गए यहाँ पर टीएमसी के 44 साल से बंगाल की जनता त्रस्त है। पश्चिम बंग सब दिक थेके पीछे गेछे और इन 44 साल में बंगाल हर मामले में कोरोना काले पश्चिम बंगेर असहाय चरित्र असहाय परिस्थिति की शिक्षा क्षेत्र की असहाय स्थिति है चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर आर्थिक हो या फिर रोजगार हो पश्चिम बंग एक समय गोटा विश्व के नय गोटा देश के एमिनेंट पर्सनालिटी जादेर के वरिष्ठ व्यक्तित्व के उपहार दिए जो बंगाल से शिक्षा क्षेत्र हो कई विद्वान निकले अभिनय जगते होक परिचालन क्षेत्र से निकले होक साहित्य क्षेत्र होक चाहे वो साहित्य हो फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो पश्चिम बंग सब समय विशिष्ट व्यक्ति वरिष्ठ व्यक्ति उपहार दिए आज के 44 बचर कम्युनिस्ट एवं परवर्ती 44 सालों में जो यहां पर कम्युनिस्ट ने राज किया टीएमसी ने राज किया शुधुमात्र बंगाल से बंग থেকে আমরা हर मामले में पिछड़ रहे हैं और बंगाल से कोई बड़े नाम अब निकल नहीं रहे। दुर्भाग्यर विषय পশ্চিমবঙ্গ আজকে বৃদ্ধাশ্রমে পরিণত হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে সমস্ত মানুষকে যুবককে ঘর বাড়ি ছেড়ে রোজগার কে লিয়ে তমাম জো যুবা হ্যায় উনকো ছোড় ছোড় কে দূসরে রাজ্যো মে জানা পড় রাহা হ্যায় আর বঙ্গাল এক বৃদ্ধ আশ্রম বন কে রহ গয়া হ্যায়। শুধুমাত্র ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির নেতৃত্বে শুধু সমাজের বা তৃণমূলের নেতৃস্থানীয় নয় একদম জমিনি স্তর মানে একদম নিচের স্তরের কর্মীরা যারা দলে দলে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছে নির্বাচনের নেতৃত্ব সে প্রভাবিত হওয়ার পরে টিএমসি কে যে গ্রাস রুট লেভেল কে যে কার্যকর্তা হ্যায় ও ভি বিজেপি কে সাথ জুড় রহে হ্যায় বলেছেন যে এখান থেকে তৃণমূল জিততে পারবে না সেজন্য তিনি দল পরি মানে প্রার্থীপদ পরিত্যাগ করেছেন এবং ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন। तो कई ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने टिकट मिलने के बाद भी इसलिए टीएमसी छोड़ दिया क्योंकि उनका कहना है कि यहां से नहीं जीत सकती है टीएमसी का कोई भी कैंडिडेट इसलिए उन्होंने बीजेपी পরিবর্তনের জন্য মানুষ মুখে আছে এবং স্লোগান তৈরি করেছে এইবারের ভোট উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজেপির इस बार का वोट মানুষ উন্নতি के लिए विकास के लिए बीजेपी के আর নয় অন্যায় এই স্লোগান দিয়ে তো ये স্লোগান है রাস্তায় और नहीं अन्याय ये भी एक स्लोगन है आर नॉय अन्याय সমাজের समस्त स्तर থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রতিনিধিত্ব রাখছে এবং নির্বাচনে প্রত্যাশী হিসেবে নির্বাচনে हर तबके से हर स्तर से সমাজের समस्त अपने कैंडिडेट्स को मौका दे रही है যাতে আমরা একটা খুব সুন্দর সরকার মানুষ ताकि एक हम एक संतुलित और एक अच्छी सरकार दे सकें उन्नयन लक्ष्य एवं सोनार बांग्ला लक्ष्य की ओर और सोनार बांग्ला गढ़ने की ओर हम आगे बढ़ सकें। नमस्कार एक अभी ज्वाइनिंग होने वाली है ले आओ भैया मुख्यमंत्री
इलेक्शन कमीशन का ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी आप सोल चुन चुके हैं, उसमें हम कोई टिप्पणी करने का जरूरत नहीं है। बंगाल के जनता क्या सही है क्या गलत है, बंगाल का जनता जजमेंट देने वाला है। सर एक रिएक्शन ये था, बलवीर सिंह राजेवाल किसान नेता हैं बड़े, उन्होंने कल कोलकाता में कहा कि किसी को भी वोट दो लेकिन मोदी को वोट मत दो क्योंकि मोदी पाकिस्तान से भी बड़े खतरा है। इतना मैं कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव, चाहे राजस्थान में रहे हों, चाहे कर्नाटक में रहे हों, चाहे गुजरात में रहे हों, सभी में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा सफलता प्राप्त हुई। दो तीन महीने के अंदर की बात बता रहा हूँ, वन साइडेड भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय निकाय के चुनाव में भी सफलता प्राप्त हो रही है। राजस्थान में 21 में अगर 14 सीटें हम जीतते हैं, कर्नाटक में हम स्थानीय निकाय में 55% से अधिक सीट जीतते हैं। कुल मिलाकर गाँव की जनता और किसान सब मोदी जी के साथ में, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। किसान, गरीब, आदिवासी, एससी सभी वर्ग आज मोदी जी के साथ में, कोई चिंता की बात नहीं है। वो किसान नेता ने कुछ किसान के कहने, कुछ लोगों को, कुछ लोग उकसावे में बोलते हैं तो उनका कोई महत्व नहीं होता। यह तो बहुत दिन से धरने पर बैठे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, अभी इस विषय में मैं खास कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, एक ही शब्दों में मैं इसको निपटना चाहूँगी। जबकि तो बीजेपी ने अपनी जो घोषणा की है लिस्ट की, उसमें बहुत ही कुछ चौंकाने वाला नाम इसलिए, बाबुल सुप्रियो जो कि केंद्रीय मंत्री है उन्हें उतारा जा रहा है, इसके अलावा कई और सांसदों को भी मैदान में उतारा जाए जिसमें लॉकेट चैटर्जी भी शामिल है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटते हैं इसी बड़ी खबर पर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।